press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में चल रही 14वीं राज्य स्तरीय सीबीएसई एथलेटिक क्लस्टर मीट के अंतिम दिन प्रतिभागियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सैनी, अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग कोच राजकुमार, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कैप्टन राम सिंह यादव, डिप्टी डायरेक्टर जयपुर रतन सिंह यादव तथा डीईओ राकेश शर्मा उपस्थित रहे। इस दिन विभिन्न इवेंटों में शामिल 500 मीटर दौड़ में 19 वर्षीय आयु वर्ग में विष्णु, अंकुर, सोमादित्य ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। 3000 मीटर दौड़ में 17 वर्षीय आयु वर्ग में हर्ष, अश्वनी, बाबूलाल ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में 3000 मीटर दौड़ में प्रियांशी, कविता तथा ज्योति ने स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीता। संपूर्ण गेम्स में बालक एवं बालिका वर्ग में मॉडल पब्लिक स्कूल भिवाड़ी रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बोलते हुए कहा कि खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। स्कूल चेयरपर्सन पवित्रा राव ने कहा कि बच्चे अपनों से बड़े का सम्मान करके ही उच्च शिखर पर जा सकते हैं। स्कूल डायरेक्टर ओपी यादव ने सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। लोगों को जब हमने देखा तो मेरा 48 साल पहले का समय मुझे याद है। अब वो क्या है कि अब वो समय मेरा आ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ चीफ गेस्ट नहीं होता तो वो फिर भी मैं आपके साथ दौड़ता। तो मैं उन खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत हृदय से आभार। आरपीएस स्कूल के प्रांगण में 3 दिनों से एक सीबीएसई क्लस्टर का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें राजस्थान का सिंह द्वार कहलाने वाले बहरोड से में ये प्रोग्राम हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 35 जिलों से लगभग 1500 के करीब बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे यहाँ आकर के बहुत खुश हैं। यहाँ के कोचेस से भी मैंने बात की है, वो भी यहाँ पर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि हमें आरपीएस स्कूल के प्रांगण में बहुत सुविधाएं मिली हैं, भोजन बहुत अच्छा मिला है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं मेरी प्रिंसिपल और उनकी टीम को देना चाहूँगी। मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेहनत की है उन्होंने 3 दिनों तक, और कहते हैं ना अतिथि देवो भवा, उन्होंने इस सुक्ति को चरितार्थ कर दिया है। प्रिंसिपल को मैं बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने हरियाणा की तरह राजस्थान में भी आरपीएस का नाम वो बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। सभी बहनों और भाइयों से मेरा यही एक सुझाव है और यही एक प्रार्थना है कि इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें और हमें अपना सहयोग देते रहें। तो ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि आगे भी आने वाले समय में इसी तरह की गतिविधियाँ होती रहेंगी खेलों में और हर तरह की गतिविधियों में हम आप लोगों का बहुत सहयोग करेंगे। वो चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, मेरी पूरी टीम बहरोड़ का बहुत बहुत सहयोग करेगी और हमेशा आगे रहेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।